हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करने के लिए एक नया टॉपिक आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में आता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फर्स्ट 75 सेक्शंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट के हैं, दे टॉक अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद जो पार्ट था यानी कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 वहां था सेल ऑफ गुड्स। लेकिन 1930 में सेल ऑफ गुड्स का एक अलग से एक्ट आ गया और उसके बाद सेक्शन 76 से लेकर 123 तक सेक्शंस गायब हो गए। और उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक स्टार्ट होते हैं और उसमें जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडेमनिटी वर्ड सुनकर आपको ऐसा ना लगे कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। इंडेमनिटी का सिंपल सा मतलब होता है टू मेक गुड दी लॉस, टू मेक गुड दी लॉस। सो इंडेमनिटी का मीनिंग हमने देखा, टू मेक गुड दी लॉस। टू मेक गुड दी लॉस जिसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं, सो दिस मीन्स टू कंपनसेट फॉर दी लॉस। इंडेमनिटी का मीनिंग होता है टू कंपनसेट फॉर दी लॉस। सो इंडेमनिटी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है किसी के नुकसान की भरपाई कर देना। सो इफ मिस्टर एक्स इज प्रॉमिसिंग टू मिस्टर वाई के मिस्टर वाई को जो भी लॉस होगा जो कि मिस्टर एक्स की कंडक्ट की वजह से हो या किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट की वजह से हो, वो सारे लॉस कौन कंपनसेट कर देगा? वो सारे लॉस कंपनसेट कर देगा मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स अगर लॉस के लिए कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर रहा है तो मिस्टर एक्स को हम बोलेंगे इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर जो इंडेमनिटी होल्डर के लॉसेस के लिए उसे इंडेमनीफाई करता है। इंडेमनीफाई का मतलब क्या है? कंपनसेट फॉर द लॉस। तो इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनिटी मिलती है, किसकी तरफ से मिलती है? इंडेमनीफायर की तरफ से। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इन एग्जाम्पल से हम क्लियरली समझ जाएंगे कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ मैं इंडेमनीफायर में फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं इंश्योरेंस कंपनी का। तो यहाँ मैं इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी और यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर क्या बन जाएगा? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर बन जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का जनरल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं यहाँ जानबूझ के जनरल इंश्योरेंस कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कहूँ तो वो इंडेमनिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैंने क्यों कहा, अभी मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा है कि अगर इसके घर में आग लग गई और आग लगने की वजह से उसका घर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रॉमिस किया है कि इंश्योरेंस कंपनी लॉसेस के लिए कंपनसेट करेगी। इंश्योरेंस कंपनी लॉसेस के लिए कंपनसेट करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी इन दैट केस जितना भी लॉस हुआ, चलिए ये मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपीस का क्लेम देगी। तो 10 लाख रुपीस का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी देगी तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ क्या बन गई? इंश्योरेंस कंपनी यहाँ इंडेमनीफायर बन गई। और जिसका इंश्योरेंस किया गया वो क्या बन गया? वो बन गया इंडेमनिटी होल्डर। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर यहाँ इंडेमनिटी होल्डर है। लेकिन अभी हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंडेमनिटी के सारे एग्जाम्पल बता दूं। इंडेमनिटी के सारे केसेस में आपको एक्सप्लेन करने की यहां कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो ये आया फर्स्ट एग्जाम्पल। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक ट्रांसफरी का, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्रांसफरी जिसके पास में शेयर्स हैं, उससे शेयर किसने ट्रांसफर किए हैं और वो कंपनी को ये कह रहा है कि कंपनी उसके फेवर में शेयर्स ट्रांसफर कर दे। तो ट्रांसफरी शेयर ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट दे रहा है, ट्रांसफरी शेयर ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कंपनी को सबमिट कर रहा है। लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होने के, ट्रांसफर डीड का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को शेयर्स बेच दिया, ट्रांसफरी वो जिसे शेयर्स मिल रहे हैं, ट्रांसफरर वो जिसने शेयर बेचा है। तो एग्जाम्पल में यह है कि अगर ट्रांसफरी 60 डेज के बाद कंपनी को अप्रोच करता है कि कंपनी शेयर ट्रांसफर कर दे इसके फेवर में, तो कंपनी बोलेगी कि हमें डाउट है कि अगर आपके फेवर में शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया, तो हो सकता है यहाँ कि ट्रांसफरर आके हमें ये बोले कि शेयर तो मैंने ट्रांसफर किए ही नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को रीजनेबल डाउट होता है कि ट्रांसफरी जो शेयर ट्रांसफर करवाने आया है वो जेन्युइन केस नहीं है। सो इन दैट केस ट्रांसफरी कंपनी को, अच्छा देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपके शेयर्स खो गए हैं, गुम गए हैं, और आप कंपनी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, तो कंपनी को डाउट होगा, कंपनी को लगेगा कहीं वो शेयर आपने किसी को सेल तो नहीं कर दिए। तो कंपनी आपसे क्या डिमांड करेगी? कंपनी आपसे डिमांड करेगी एक इंडेमनिटी बॉन्ड, ये इंडेमनिटी बॉन्ड इस बात का बॉन्ड होगा, कि अगर कंपनी को लॉस हुआ या कंपनी के पास उन शेयर्स को लेके किसी और ने क्लेम कर दिया, कोई अदर क्लेम, और आई शुड से किसी अदर पर्सन ने क्लेम कर दिया, तो कंपनी को जो लॉस होंगे उसके लिए कंपनसेट कौन करेगा? उसके लिए कंपनसेट ट्रांसफर ही करेगा। तो मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स थे, शेयर्स गुम गए, मैं कंपनी के पास में गया और मैंने कहा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मुझे इशू कर दीजिए। तो कंपनी ने कहा कि आपने शेयर किसी को सेल तो नहीं किए, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने शेयर किसी को सेल कर दिए और हमारे पास आकर अब आप उन शेयर्स की डिमांड कर रहे हैं? तो मैंने कंपनी को बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कंपनी ने कहा ठीक है, आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड दीजिए ताकि अगर हमसे कोई शेयर इन फ्यूचर क्लेम करे और कोई ये साबित कर दे कि आपसे पहले कोई कंपनी का शेयर होल्डर था और आपके शेयर गुमे नहीं थे, आपने शेयर उसे ट्रांसफर कर दिए थे, यानी कि अगर मेरी कोई गलती हुई और उस वजह से लॉस अगर कंपनी को हुआ, तो मैं कंपनी को कंपनसेट करूंगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कहा जाता है कि इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को यह प्रॉमिस करता है कि मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट की वजह से आपको कोई लॉस हुआ तो उसके लिए मैं आपको कंपनसेट करूंगा। सो थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी श्योरिटी क्रेडिटर को ये प्रॉमिस करता है कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, तो रीपेमेंट कौन करेगा? रीपेमेंट करेगा श्योरिटी। तो यहाँ तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्राइमरली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। कौन कौन सी पार्टीज? इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इंडेमनिटी का। देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें तो एक एग्जाम्पल है यहाँ प्रिंसिपल का एंड एजेंट का। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर्टी एजेंट एजेंट बन गया और प्रॉपर्टी सेलर प्रिंसिपल बन गया। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से डील करता है। पार्टनरशिप में भी कहा गया है कि पार्टनर्स में म्यूचुअल एजेंसी होती है और एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट भी होता है और बाकी पार्टनर्स का प्रिंसिपल भी होता है। तो उन सारे पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। तो उसी तरीके से एजेंट जो भी लॉफुल कंडक्ट करेगा और अगर उसमें कोई लॉस हुआ तो वो लॉस के लिए कंपनसेट कौन करेगा? उस लॉस के लिए कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल। तो जो भी लॉस होंगे उसके लिए कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होगी। किसको कंपनसेट करेगा? वो एजेंट को कंपनसेट करेगा। तो ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग हैं इंडेमनीफायर। और ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग हैं इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के फेवर में इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो तरीके से हो सकती है। दिस कुड बी एक्सप्रेस और दिस कुड बी इम्प्लाइड। यस, ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो तरीके से बनती है। अगर इंडेमनिटी बॉन्ड दिया तो एक्सप्रेस है, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ये इम्प्लाइड है, पार्टनरशिप में ये इम्प्लाइड है। पार्टनरशिप में भी हम कह सकते हैं कि सर ये इम्प्लाइड है। सो ये हमने डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, इस बार मैं इंडेमनिटी होल्डर हूं, आप इंडेमनीफायर हो। आप इंडेमनीफायर हैं, मैं इंडेमनिटी होल्डर हूं और आपने मुझे कहा कि सर आपको एक इल्लीगल काम करना है हमारे लिए। आपको एक इल्लीगल काम करना है और उस इल्लीगल काम कुछ भी हो सकता है। आपने मुझे स्मगलिंग के लिए कहा, आपने मुझे किडनैपिंग के लिए कहा, मर्डर के लिए कहा, जिस भी काम के लिए आपने मुझे कहा है। इस एग्जाम्पल में आपको विलन बना रहा हूं। तो आपने मुझे ये प्रॉमिस किया कि सर आपको हमारे बिहाफ पे एक इल्लीगल काम करना है और उसके बाद आपके ऊपर जो भी एक्शन होगा, जो भी केस होगा, जो भी प्रोसिक्यूशन होगा, उसके लिए हम आपको कंपनसेट करेंगे। आप मुझे कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। अब बताइए, इन केस अगर मेरे ऊपर केस हो, मेरे ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन हो, तो क्या मैं आपसे वो पैसा मांग सकता हूं? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? क्योंकि इल्लीगल चीजों के लिए कभी भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सिर्फ लीगल चीजों के लिए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं आती? उसका रीजन यह है कि जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर के लॉस को कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है। अगर मोबाइल फोन का इंश्योरेंस करवा रखा है और मोबाइल फोन अगर खो गया, खराब हो गया, तो मोबाइल फोन कंपनी उसके लिए पे कर देगी। आई मीन जो मोबाइल फोन की जिस कंपनी ने इंश्योरेंस करी है वो पे कर देगी। लेकिन इन केस ऑफ डेथ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जरूर देती है, लेकिन वो क्लेम उस इंसान की लाइफ से बड़ा नहीं होता। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। सो ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स कौन कौन से होते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।